इधर आ बदायूं में मंदिर में गई महिला के साथ हुई दरिंदगी के मामले में मुख्य आरोपी सत्य नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में एक और जांच के आदेश दिए गए हैं। ये जांच पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक करने की होगी। जिला प्रशासन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक करने की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने एडीएम को जांच सौंपी है, उनसे 9 जनवरी तक रिपोर्ट मांगी है। महिला के साथ दरिंदगी और मौत के बाद 5 जनवरी को पोस्टमार्टम हुआ था। प्रशासन का कहना है गैंगरेप मामले में एक और बड़ी लापरवाही की गई है। पुलिस वालों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक करने के मामले में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल के लिपिक समेत कई लोग निशाने पर हैं। गौरतलब है कि बदायूं के उगहती थाना क्षेत्र में पूजा करने गई 50 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में घटना का मुख्य आरोपी महंत सत्य नारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो 2 दिन से फरार था। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। जिला प्रशासन के अनुसार सत्यनारायण एक गांव में अपने अनुयायी के घर छुपा हुआ था, जहां से उसे पकड़ा गया। उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आरोपियों पर NSA लगाने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।